कचौड़ी तो आपने बहुत बार खाया होगा और बहुत बार बनाया होगा, पर इस तरीके की कचौड़ी आपने मुझे लगता है आज तक नहीं खाई होगी, जैसे कि रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिएगा एकदम मज़ेदार सी, एकदम मसालेदार आलू कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, आप चाहें तो 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा भी ले सकते हैं। तो चलिएगा मैं इसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन ऐड कर देती हूँ। अजवाइन जो है हमारी डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर देती हूँ स्वाद अनुसार। अब मैं इसमें मोइन के लिए रिफाइंड ऑयल ऐड कर देती हूँ 4 से 5 चम्मच। तो चलिएगा अब हम इसको हथेलियों की सहायता से, हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से इन सारे मिश्रण को मिला लेंगे। तो एक बार मेरी तरीके से कचौड़ी बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिएगा इस तरीके से हथेलियों से रगड़ रगड़ के हम अच्छा सा इसका मिश्रण जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो देखिएगा मैंने ये सारे तेल को और सारे मसालों को अच्छी तरीके से हाथ से रगड़ रगड़ के मिला लिया है। तो चलिएगा अब हम इसके अंदर गुनगुना या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाल डाल के इसका डो बना लेंगे। तो देखिएगा मैंने एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लिया है, और डो हमें बिल्कुल एकदम टाइट बनाना है। जो नॉर्मल रोटी के लिए हम आटा बेलते हैं, आटा मलते हैं, उससे ज़्यादा टाइट से बनाना है। तो चलिएगा मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं इसके अंदर 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर दूंगी, 2 से 3 चम्मच। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही सरसों का तेल लिया है, 4 चम्मच मैंने तेल लिया है, क्योंकि आलू थोड़े ज़्यादा हैं मैं भूल गई थी। तो देखिएगा मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जीरा ऐड कर दिया है और लाल वाली सरसों ऐड कर दी है, जिसे राई भी कहते हैं। तो चलिएगा बिल्कुल इसको चटकने तक, एकदम खुशबू आने तक हम इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिएगा अब हम इसके अंदर लहसुन ऐड कर लेते हैं। ये मैंने पूरी 1 पुती ली है लहसुन की, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, ग्रेट से कद्दूकस से कस लिया था। तो चलिएगा अब हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे। आलू कचौड़ी बन रही है और हरी मिर्च ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब मैं इसको डाल के भी अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी। तो चलिएगा अब हम हरी मिर्च को भी अच्छी तरीके से भून लेते हैं खुशबू आने तक। तो मैंने ये 1 चम्मच खटाई का पाउडर लिया है। अगर आपके पास खटाई का पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर, आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया है। तो चलिएगा अब इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लेते हैं एकदम खुशबू आने तक। हमें इसको जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा भूनना है। तो थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने ये 7 से 8 आलू लिए हैं, जिसको मैंने उबाल लिया है। उबाल के मैंने हाथों से फोड़ लिया है। आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं या फिर कद्दूकस से घिस भी सकते हैं। तो चलिएगा मैं इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। नमक का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने नमक जो है आटे में भी डाला है, तो नमक स्वाद अनुसार ही डालिएगा। तो चलिएगा मैंने सारे मिश्रण को बना के जो है अच्छी तरीके से सारे मसालों को मिला लिया है आलूओं के अंदर। तो एकदम कचौड़ी की शान। ये हमने धनिया अच्छी तरीके से छोटा छोटा काट के रखा है, हम इसको भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो देखिएगा कचौड़ी का मिश्रण, कचौड़ी की फिलिंग एकदम मज़ेदार सी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। तो चलिएगा मैंने 1 कटोरी ली है, मैं इसके अंदर 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी, क्योंकि आज हम परतदार कचौड़ी बना रहे हैं जो एकदम क्रंची क्रंची बन के तैयार होगी। तो चलिएगा अब मैं इसके अंदर गेहूँ का आटा ऐड कर दूँगी 2 चम्मच। तो चलिएगा इसी तरीके से इसके सारे लम्स को मारते हुए इसके घोल को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा आटा और डाल देती हूँ, हमको इसका थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा घोल ही तैयार करना है। तो चलिएगा चम्मच की सहायता से इसी तरीके से इसका घोल जो है अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं हम। तो चलिएगा थोड़ा सा आटा और डाल देती हूँ, तो हम इसको जो है इसका घोल जो हमने तैयार कर लिया है। आटा जो है वो भी अच्छे से बिल्कुल रेस्ट होके आराम से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। आटा हमने थोड़ा टाइट ही मला था। तो चलिएगा अब हम इन सारे आटे की इतनी बड़ी बड़ी लोइयां बना लेते हैं। आप लोइयां अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपको रोटी जो किसी हिसाब में बेलनी है। तो चलिएगा मैं सारी लोइयों को बना के तैयार कर लेती हूँ। तो देखिएगा मैंने इस पूरे आटे की लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिएगा अब हम एक लोई ले लेते हैं इन सारी लोइयों में से। अब हम इस पर थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसको जैसे रोटी बेलते हैं उस तरीके से बेल लेंगे। ना ही हमें रोटी ज़्यादा मोटी बेलनी है और ना ही ज़्यादा पतली बेलनी है। तो चलिएगा हम इसको बेल लेते हैं।
तो चलिएगा इसी तरीके से मैं जितनी मैंने सारी लोइयाँ बनाई हैं मैं उस तरीके से सारी लोइयाँ बेल लेती हूँ। तो देखिएगा मैंने सारी लोइयों को अच्छी तरीके से बेल लिया है, ना ही ज़्यादा मोटा बेला है और ना ही ज़्यादा पतला बेला है, रोटी से थोड़ा मोटा बेला है बस। तो मैंने जो ये गोल बना के रखा था अब मैं हाथों की सहायता से दो दो चम्मच इसके ऊपर लगा दूँगी। तो चलिएगा उंगलियों की सहायता से हम इसके ऊपर फैला देते हैं सारे लेप को। उसके बाद थोड़ा सा हम इसके ऊपर आटा डस्ट कर देंगे। तो चलिएगा आटा डस्ट करने के बाद जो दूसरी हमने रोटी से बना के रखी है हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसी तरीके से हम पूरा प्रोसेस करेंगे। मतलब पहले घोल लगाएंगे, उसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर रोटी रख देंगे, फिर घोल लगाएंगे, फिर आटा डस्ट करेंगे, फिर रोटी रख देंगे। इसी तरीके से हम सारे प्रोसेस को कर लेते हैं। तो चलिएगा इसी तरीके से मैंने सारा प्रोसेस कर लिया है। लास्ट की रोटी पे भी मैंने इस तरीके से घी मतलब जो मैंने लेप बना के रखा था वो और आटा डस्ट कर लिया है। तो अब इस तरीके से हम इन सारी रोटियों को फोल्ड कर लेंगे। देखिएगा उंगलियों की सहायता से इस तरीके से मैं इस पूरे रोल को जो अच्छी तरीके से रोल कर लूँगी। तो देखिएगा इसी तरीके से रोल कर करके हम इसको बिल्कुल लंबा कर लेंगे। तो चलिएगा तो देखिएगा मैंने इस पूरे जो मैंने इसके बना के रखा है रोल को देखिएगा मैंने कितना लंबा कर लिया है इसके रोल को। अब हम इसके पीसेस काट लेते हैं चाकू से। तो चलिएगा चाकू से एक ही साइज़ के पीस काट लेते हैं। देखिएगा कितनी अच्छी लेयर्स नज़र आ रही हैं। इन्हीं लेयर्स से ही जो है हमारी कचौड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो देखिएगा मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है। तो आप लेयर्स देख सकते हैं कितनी अच्छी घुल रही हैं। तो चलिएगा इस तरीके से इनको तिरछा करके हम दबा लेंगे। इस तरीके से एक हथेली इस तरीके से रख के इनको तिरछा करके दबा लिया है मैंने सबको। तो चलिएगा दो लोई लूँगी मैं अब और इसको हल्के हाथों से बेलन की सहायता से जो है बेल लूँगी छोटा छोटा। तो चलिएगा अब हम इसको बेल लेते हैं। तो देखिएगा मैंने दोनों लोइयों को जो है बेल लिया है और एक कटोरी में मैंने पानी ले लिया है। तो चलिएगा जो मैंने आलू की फिलिंग बना के रखी थी अब मैं इसके बीच में ये रख दूँगी। तो चलिएगा जितनी फिलिंग आपको रखनी है इसके बीच में आप रख सकते हैं और जिसमें फिलिंग रखी है उसकी साइडों पे पानी लगा के हम इसको बंद करेंगे। पानी हम इसलिए लगा रहे हैं, आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो चिपक जाएं और खुले ना, इसलिए हम इसके इसमें जो है पानी का यूज़ कर रहे हैं इसके कॉर्नर्स को चिपकाने के लिए। तो चलिएगा हम इसके सारे कॉर्नर्स को चिपका देते हैं। तो देखिएगा ये जो हमारी कचौड़ी है वो बन के जो है तैयार हो चुकी है, मतलब फिलिंग जो है इसकी भर के तैयार हो चुकी है। तो चलिएगा इसी तरीके से हम जितनी भी लोइयाँ बनाई हैं सबको बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा मैंने जो है बना के तैयार कर लिया है, सारी कचौड़ियों को भर लिया है। ये कुल मिला के पूरी 12 कचौड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। एक कचौड़ी में एक इंसान का पेट भर जाता है अच्छा खासा। तो चलिएगा अब मैंने ये कढ़ाई ली है, मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो चलिएगा मैंने कढ़ाई में तेल जो है पूरा भरा नहीं है, थोड़ा इतना रखा है कि बस कचौड़ी जो है वो आधी डूबे तेल के अंदर। तो चलिएगा बिल्कुल लो आंच पे इसको हम तल लेते हैं। तो चलिएगा बिल्कुल लो आंच पे सारी कचौड़ियों को अच्छी तरीके से हम तल लेंगे एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी होने तक। तो चलिएगा अब मैं स्टेनर से इसको बाहर निकाल लूँगी सारा तेल निकाल के इसका, और यकीन मानिएगा ये तेल बिल्कुल भी नहीं पीती है। तो चलिएगा इसी तरीके से मैं बाकी कचौड़ियों को भी बना के तैयार कर लेती हूँ। बिल्कुल लो आंच पे हमें इसे पकाना है, अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये कच्ची रह जाएंगी और क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेंगी। तो चलिएगा सारे कचौड़ियों को बना के हम तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से तेल के अंदर बिल्कुल लो आंच पे। तो चलिएगा सारी कचौड़ियों को बाहर निकाल लेते हैं अब इसी तरीके से। इसी प्रोसेस से हम सारी कचौड़ियों को तल लेंगे। आप इसको बिल्कुल डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल डूबी हुई तेल में बना सकते हैं। तो देखिएगा कितनी ज़्यादा खस्ता एकदम मज़ेदार कचौड़ी बन के तैयार हो चुकी है। जैसे मठरी टूटती है ना, टूट रही है ना, बिल्कुल वैसी आटे की कचौड़ी है ये। अगर आप मैदे की बनाते तो मैदे की और भी ज़्यादा टेस्टी बनती, पर ये हेल्थी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मठरी की तरह लगती है कचौड़ियाँ खाने में। तो आप भी इसी तरीके से इसको इंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसी बनी है।
तो आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी लेयर्स नज़र आ रही हैं इसमें, और आलू की फिलिंग कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में और खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी है। कितनी इसे लेयर्स से टूट रही है ये कचौड़ी, तो आप देख ही सकते हैं कितनी मज़ेदार कचौड़ियाँ लग रही है देखने में, खाने में भी उतनी टेस्टी हैं। तो चलिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।